नमस्ते दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। तो बात करते हैं अपन राजस्थान की वनस्पति में महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति धोक की। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंदर जो पाया जाने वाला वृक्ष है वह धोक है, जिसे धोकड़ा भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो राजस्थान का जो वन क्षेत्र है वो लगभग 34,610 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 34,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के अंदर आता है। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 3.10% ही क्षेत्र वनस्पति के अंतर्गत आता है, वन्य क्षेत्र के अंदर आता है। और यूँ मान के चलिए कि राजस्थान की वनस्पति में धोक का जो पेड़ होता है वो ही मुख्य वनस्पति, यानी कि अगर कहीं पूछा जाता है तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है धोक का होता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में वनों के अंदर पाया जाने वाला जो वृक्ष है वो धोक है। जो धोक जो पेड़ है इसकी एक विशेषता है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी कि गर्मियों के अंदर इसकी पत्तियां खिल जाती है और जैसे ही मानसून की पहली बरसात होती है बहुत ही छोटे छोटे कोमल पत्ते इसके निकल आते हैं, जो कि शीत ऋतु तक बने रहते हैं। तो राजस्थान के अंदर विशेषकर सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, यानी कि पूर्वी जो राजस्थान है और विशेषकर पूरी अरावली की जो पूरी पहाड़ियां हैं उनके अंदर ये संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। सिर्फ राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र, वहाँ पर इसको नहीं उगाया जाता। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर ये वनस्पति धोक पाई जाती है। धोक वनस्पति की जो एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों, ये है कि आपको दिखाता हूँ मैं कि जैसे ये इसका पेड़ है इस प्रकार से, ये थोड़ा सा सफ़ेदी लिए और थोड़ा सा इस प्रकार का होता है। इसके अंदर छोटे छोटे कांटे नुमा भी होते हैं, यानी कि थोड़े बहुत कांटे भी होते हैं हल्के फुलके, जो कि शुरुआती दौर में जब पेड़ छोटा होता है उस समय होते हैं, उसके बाद में ये बड़ा होने के बाद में इसमें कांटे नहीं होते हैं। ये हमारे यहाँ पे जो हमारा बीड़ है उसमें बहुत सारे धोक के पेड़ लगे हुए हैं। बाहर भी हमारे गांव में काफ़ी धोक के पेड़ हैं, आपको मैं दिखाता हूँ बाउंड्री के बाहर। ये महादेव जी का मंदिर दिख रहा है आपको सामने, औरणी क्षेत्र है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में धोक के पेड़ लगे हुए हैं। धोक के पेड़ के अंदर जो गोंद होता है बहुत ही पौष्टिक और उच्च क्वालिटी का गोंद निकलता है इनमें से, विशेषकर सर्दियों में इसका गोंद निकलता है और गोंद को लड्डू बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। बहुत ही ताकतवर होता है, गोंद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में धोक के गोंद के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है जब बच्चा हो जाता है तो उनको भी ये इनके लड्डू बना के खिलाए जाते हैं। तो दूसरी बात, इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही पौष्टिक होते हैं, विशेषकर बरसात के दिनों में और सर्दियों के अंदर बकरियों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो बकरी पालन करने वाले जो क्षेत्र है उनमें धोक का वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो देखिए आप किस प्रकार से हरे भरे आपको धोक के वृक्ष नज़र आ रहे हैं। इनकी जो लकड़ी होती है बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है और विशेषकर पहले के समय में जब हल और बैलों से खेती की जाती थी तो इसके जो लकड़ी है, लकड़ी से हल का जो है चू बनाई जाती थी, जिस पे लोहे का फाल लगा के, यानी कि फाड़े लगा के उसको उपयोग में लिया जाता था ताकि अच्छे से हकाई हो सके, हल टूटे नहीं। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो वनस्पति है उसके अंदर धोक का बड़ा महत्व है और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो धोक के पाए जाते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार से ये धोक जो राजस्थान की एक प्रमुख वनस्पति के अंदर आती है। यद्यपि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है लेकिन क्षेत्रफल में सर्वाधिक धोक के वन राजस्थान में
पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक राजस्थान की प्रमुख वनस्पति के अंदर आपको जानकारी दी, और ये जानकारी कैसी लगी आपको अपने कमेंट में हमें ज़रूर अवगत कराएं। और देखते रहिए मेरे साथ माय विलेज माय लाइफ यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।